बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक इंडियन रेसिपी लाई हूँ मेरी इंडियन फ्रेंड ने कनाडा में उनकी पुरजोर फरमाइश पे। वो खुद बहुत इस तरह की ये चीज़ें बड़ी बनाती है, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ, उन्होंने कहा आप बना के मुझे हमें रेसिपी दें। तो ये बेसिकली ये सोया है, ये सोया कनाडा में मिलते हैं, यहाँ भी मेरा ख्याल है कि बड़े स्टोर से मिलते होंगे, क्योंकि मैं अब पाकिस्तान में हूँ तो मैं थोड़े लाई थी, तो मैंने उनके कहने पे अब रेसिपीज की लास्ट में बनाने लगी हूँ। तो ये इनको मैंने पानी में इस तरह भगो दिया था, तकरीबन चाहे घंटा भगोए दो घंटा भगोए, बेसिकली है कि इसको ऐसे सॉफ्ट होना चाहिए। फिर मैंने इसको ऐसे अच्छी तरह ऐसे करके निचोड़ लिया था। मैं ऑयल डाल लिया, अब मैंने हाफ कप डाला है। आप अपने अब कम खाते हैं तो इससे कम कर लिया, अगर ज़्यादा खाते हैं इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, नो इशू। तो इस कढ़ाई को, ये नॉन स्टिक कढ़ाई होती है, इसमें ठंडे में आपने ऑयल डालना है, कभी भी गर्म करके ना डालिएगा, ये नॉन स्टिक का कोई ख़ास असर अच्छा असर नहीं है। चले अब थोड़ा सा ये गर्म होता है ऑयल, तो फिर डालते हैं सारी चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी एक टीस्पून, ये मेरे पास जीरा है, ये एक टीस्पून, ये मैंने कड़ी पत्ता लिया है फ्रेश वाला, अगर ना हो तो ड्राई ले लें, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। एक चुटकी अजवाइन है, इसको पहले घी में कड़कड़ा लेते हैं हल्का सा, बस बहुत ज़्यादा नहीं करना, ऑयल गर्म था तो हो गया। ये मैंने तीन मीडियम प्याज लिए, उनको मैंने ऐसे चॉप काट लिया। ये दो मिनट मैं इसको ढक्कन दे के करती हूँ, तो थोड़े से नरम भी हो जाएंगे और थोड़ा हल्का सा कलर भी चेंज कर लेंगे, तो बाकी चीज़ें बाद में डालते हैं। प्याज हल्के हल्के से ब्राउन भी हो गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब इसमें डालूँगी एक टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी अंदर भून चुका है। अब मैं डालती हूँ इसके अंदर ये टमाटर, तीन बड़े टमाटर मैंने लिए, इसमें टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी ग्रेवी बड़ी अच्छी बनती है। एक मिनट मैं इसको नरम करती हूँ, फिर नमक मिर्च डालते हैं। ये देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं, तो इसमें डालूंगी अब ये मसाले। एक टी स्पून है भर के नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये हाफ टी स्पून क्रश मिर्चे हैं, और ये चिली ये पाउडर है एक टी स्पून, और ये एक टी स्पून हल्दी है एक टी स्पून, ये मेरे पास है क्या इसका नाम है चाट मसाला, तो ये सब मैंने डाल दिया इसमें। और साथ ही मैं ये हरी मिर्च डाल दूँगी, इसका टेस्ट ही मज़े का होता है। ये जो इंडियन ये सोया चंक है, ये बहुत मज़े की, ये शायद ये कुछ फल बीन्स है जिसे ये बनता है, इंडिया के लोग बनाते हैं तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो जब मैंने वहाँ बनाना शुरू किया ना, तो मैं अपने जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनको मैं ऐसे कह के खिला देती होती थी कि ये देखो मैंने आज ना इंडियन चिकन बनाया। जब उन्होंने खाया तो उनको बड़ा मज़ा आया, कहते हैं कि वाकई ये तो बोनलेस है, ऐसे मैंने उनको खिला दिया था। इसमें अब थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि ये थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी तैयार हो जाए, और इसको देते हैं हल्की आँच पे 5 मिनट, इसके बाद मिलते हैं 5 मिनट बाद। देखें ये है, अब इसके टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, बाकी जब मैं ये चंक डालती हूँ सोया चंक, तो इसके साथ फिर पक लेना। ये देते हैं इसके पानी, इसमें ये एक प्याली पानी डालने लगी हूँ,
अब इसको हल्की आंच पे 10 मिनट मैंने इसको पकाऊंगी ताकि इसके अंदर जो मसालों का असर और टेस्ट अंदर चला जाए। इंशाल्लाह फिर डन हो जाएगा। डन कर चेक करें, इन्होंने अपना असर इनमें चंग के छोड़ दिया। अब ये लास्ट में ये जो हाफ कप दूध है ये मैं डाल रही हूँ इसमें, मलाई के साथ ही है। तो 5 मिनट इस पर और देखें तो ये इंशाल्लाह तलब डन हो जाएगा। ये क्रीमी टेस्ट आएगा इसमें से ना। तो मैं माजरत चाहती हूँ, मैं अपने ये चैनल को कंटिन्यू कर नहीं सकी थी, मेरा बिजी टाइम गुजरा बहुत ज़्यादा। तो अब मैं इंशाल्लाह तला आपके साथ शेयर करती रहूँगी। नेक्स्ट मेरी वीडियो इंशाल्लाह होगी चिकन, मेरी कज़न की फरमाइश है, वो कहती है वो विश्व दरअसल वो खाती चिकन की चीज़ें बहुत शौक से, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वो बनेगी। अभी इसको मैं 5 मिनट का सिर्फ बिल्कुल लो फ्लेम पे दम दूंगी, तो फिर इसको सर्व करते हैं। मेरी रेसिपी डन हो गई है। और ये जो चंक थे ना, ये 250 ग्राम का पैकेट था। आपने इससे हाफ बनाने हैं तो फिर मसाला भी आप सारे हाफ ऑफ करते जाएँ। तो ये मुझे धनिया थोड़ा कम मिला है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर के लिए भी बचाऊंगी। तो लीजिए आप सर्व करते हैं। मेरे पास सिर्फ सूखा धनिया पिसा हुआ है, बस गर्म मसाले ने कुछ नहीं डालना, बस यही इसके मसाले। टोटल टाइम हाफ आवर है डन होने में ये सारा कुछ। जैसे मैंने भूना, आगे फिर चंक डाले, फिर जो भी सारा प्रोसीजर था तो वो हाफ आवर में डन हुआ है। आगे चूल्हे पे डिपेंड करता है आपकी फ्लेम कैसी है, तो उसके मुताबिक बेसिक ये है कि ये देखें इसको बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और इसके अंदर जायका भी जाना चाहिए, आराम से इसको पकाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेसिपी डन हो गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर जहाँ से आपको ये चीज़ें सोया चंक मिल सकें, तो यकीनन खाएंगे ना तो कसम से दुआएं देंगे, बहुत मज़े की होती है। और लास्ट में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आजकल शायद गर्मी है पाकिस्तान में बहुत, तो मेरा बीपी हाई रहता है, ब्लड प्रेशर, काइंडली मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।